हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं उम्मीद कर रहा तुम सारे ठीक ठाक हो, ते मन लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है, अज मैं जो तुहाडे लई वीडियो बना रहा वो है क्लास फोर्थ का लैसन फस्ट। लैसन का नाम है द किंग एंड हिज सन्स, राजा अते उसदे पुत्तर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस लैसन की, ध्यान नाल पढ़ना। ठीक है, तो चंगी तरह सुन लो। तो जेकर तुसी मेरी पहला वाली वीडियोज़ नहीं देखिया तो इस चैनल में सबसक्राइब कर लो। इसकी प्लेलिस्ट दे विच जाके तुसी सारियां वीडियोज़ देख सकते हो। फोर्थ फिफ्थ क्लास दिया इंग्लिश दिया वीडियोज़ तुसी इस चैनल तो देख सकते हो, तो अपनी जिहड़ी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख सकते हो, है ना। ठीक है, तो चलो आप करते हैं इसके न्यू वर्ड्स इस लैसन के। सब तो पहला मैं इसके न्यू वर्ड्स जिहड़े बुक के अलग करके दिते ने पहला वो कराऊंगा, उस तो बाद मैं तो इसका लैसन रीड करवाऊंगा, तो उस तो बाद फिर आप सोर्ट आउट करांगे इसकी मीनिंग। ठीक है, एंड दे विच चलो। हाँ जी, तुहाडा जिहड़ा पहला मीनिंग है वो है अनेबल। ठीक है, अनेबल का मतलब हुंदा है अयोग। ठीक है, सैकेंड है जी डिसाइड। डिसाइड का मतलब हुंदा है फैसला करना। थर्ड मीनिंग है टास्क। टास्क का मतलब हुंदा है काम। फोर्थ मीनिंग है सक्सैसर। सक्सैसर का मतलब हुंदा बेटा उत्तर अधिकारी। जदों एक राजा बनता है तो उस तो बाद जिहड़ा राजा आऊगा वह उस राजे का उत्तर अधिकारी कहाऊगा। ठीक है ना। नैक्सट इनफ। इनफ हुंदा सफिशेंट, जां आपां कह दईए काफ़ी। ठीक है ना, जिहड़ा अपने कोल लोड़ींदी मात्रा दे विच जदों कोई चीज़ हुंदी आपां कहिंदे आ इनफ है इह मेरे लई, है ना। ठीक है, इह मेरे लई काफ़ी है। तो नैक्सट है स्प्रैड। स्प्रैड का मतलब हुंदा फैलाउणा, किसी चीज़ नूं फैला देना, उसनूं आपां स्प्रैड बोलदे आ। ठीक है, नैक्सट है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब हुंदा प्रसन्नता। ठीक है ना, प्रसन्न होना, खुश होना यानी। ठीक है ना। हाँ जी, नैक्सट है मिनिस्टर। मिनिस्टर हुंदा बेटा मंत्री, राजे दे मंत्री हुंदे ना। ठीक है ना, उन्हां नूं मिनिस्टर्स बोले जांदा। ठीक है, देखो पिक्चर विच देखो। ठीक है ना, आ राजा बैठा विचकार अपने सिंघासन ते, ते उस दे तीन पुत्र उस दे दुआले खड़े ने, है ना। ठीक है, इस राजा अते इस दे पुत्रां दी ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप रीड करते हैं। ठीक है, हाँ जी करिए फिर रीड। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक बार की गल है कि एक राजा सी, ही हैड थ्री सनस, उसदे तीन पुत्र सी। ये पिक्चर के बीच भी दिस रहे ना, उसदे तीन पुत्र सी। ठीक है, द किंग वॉज वेरी ओल्ड, राजा बहुत बुढ़ा सी। ही डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ हिज सनस एज हिज सक्सैसर, उसने फैसला किया भी आपां आपदे सारे पुत्रां दे विचों किसी एक पुत्र नूं ना आपदे उत्तराधिकारी वजों चुनीए। ठीक है, भी उहदी चोण करिए उत्तराधिकारी वजों, भी मेरे तो बाद कौन राजा बनूंगा। ठीक है ना, बट ऑल हिज सन्स वर ब्रेव एंड वाइज, पर उहदे जिहड़े सारे पुत्र सी ना वो सारे ही ब्रेव भी सी, यानी बहादुर भी सी ते सियाने भी सी। सो ही वॉज अनएबल टू डिसाइड, इसलिए ना वो फैसला करन तो असमर्थ सी। ठीक है ना, भी उन्हों आई सी हुण फैसला मैं किवें लवां, उहदे लई औखा हो गया फैसला लैणा। एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ प्लान, आखिर उसने एक योजना सोची। ठीक है, एक प्लान सोचिया, आपां वी प्लान बनाने हुंदे ना कोई काम करन दे लई। ठीक है, तो फिर उन्हें भी एक प्लान बनाया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उन्हें अपने पुत्रां नूं बुलाया। ठीक है, उसने अपने पुत्रां नूं बुलाया। ही गेव अ गोल्ड कॉइन टू ईच ऑफ दैम, उसने हरेक नूं एक सोने का सिक्का दे दिता। ही आस्क्ड दैम to bring such things with the gold coins that can cover the whole space of a big room. ठीक है, उसने उन्होंने कहा कि इस सिक्के नाल ना कोई ऐदां दी चीज़ लैके आओ, इस गोल्ड कॉइन नाल तुहाडे सोने दे सिक्के नाल कोई ऐदां दी चीज़ लैके आओ जिहड़ी ना इस बड़े कमरे दे सारे थां नूं भर दे, कवर कर दे। ठीक है, इस दे सारी जगह नूं ढक दे। ठीक है ना, He gave 1 week for this
टास्क। उसने ना उन्हें यह काम करने के लिए एक हफ्ते का समय दिता भी मैं तुहाडे कोल एक हफ्ते का समय भी जाओ तिने पुत्रो किसी भी जगह दे विच जाओ कोई ऐसी जी चीज़ लभ के लैके आओ जिहड़ी इस वड्डे कमरे नूं ना पूरी तरह भर दे जां पूरी तरह इहनूं ढक दे। ठीक है ना। तां हुण पुत्रां ने की कीता अगे पढ़दे हां। ठीक है। ऑल द थ्री सनस वेंट इन सर्च ऑफ सच थिंग्स। तिने पुत्र ना अजिहियां चीज़ां की खोज दे विच चल पे। ठीक है ना। द फस्ट सन बॉट कॉटन। पहला पुत्र की लेके आया रूं, कॉटन होंदी है रूं। ठीक है। पहला पुत्र रूं ले आया। ही थॉट दैट इट वॉज लाइट इन वेट एंड वुड बी इनफ टू फिल द होल स्पेस ऑफ द रूम। उसने सोचा भी यह भार च तो हल्की है। ठीक है। तो यह जिहड़े रूम है वो सारी जगह नूं ढकन दे लई भी काफ़ी होगी। है ना। उन्हें सोच लिया भी रूम है ये तो फैल ही जाती है। ठीक है ना। भी आप फैला देंगे जाके रूम के विच तो ये तो काफ़ी है। फिर द सैकेंड सन वेंट टू द सिटी ऑफ ग्रेप्स। दूजा पुत्र ना अंगूरों के शहर से चला गया, यह जे शहर से चला गया जिते अंगूर सीगे। ठीक है। ही बॉट ग्रेप्स विद हिज कॉइन। उसने अपने सिक्के नाल अंगूर खरीद ले। द थर्ड सन वॉज वेरी वाइज। जिहड़ा तीजा पुत्र सी वह बहुत सियाना सी। ही डिड नॉट गो वेरी फार। वह बहुत ही दूर नहीं गया। ठीक है ना। क्योंकि वह सियाना सी उन्हें पहले ही सोच लिया भी अपने की करना है। ठीक है। उन्होंने की किया अगले पैरे दे विच देखते हैं। ठीक है ना। इंट्रस्टिंग है ना स्टोरी। कोई गल नहीं आप इहदे मीनिंग आप बाद दे विच करते हैं। ठीक है। पहला इन्हें सुन लो चंगी तरह। आफ्टर वन वीक द किंग कॉल्ड हिज सन्स एंड द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट। एक हफ्ते बाद राजे ने अपने पुत्रां ते अपने मंत्रियों नूं ना अपनी सभा दे विच बुला लिया। कोर्ट होंदी है सभा। ठीक है ना। अपनी सभा दे विच बुलाया। ही वेंट टू द बिग रूम विद हिज थ्री सन्स एंड द मिनिस्टर्स। वो अपने तिने पुत्रां ते मंत्रियों के नाल ना उस वड्डे रूम दे विच चला गया जिथे उन्हें कहा सी भी इहनूं आपां ढकना है। ठीक है ना। द फस्ट सन स्प्रैड द कॉटन बट इट डिड नॉट कवर द होल स्पेस। पहले पुत्र ने वो तो रूं लेके आया सी। ठीक है ना। पहले पुत्र ने रूं आपदी फैलाती पर यह ना सारी जगह नूं ढक ना सकी। उहदी रूं ना उहदी रूं पूरे दे पूरे रूम दे विच बिछ नहीं सकी। ठीक है ना। पूरा रूम नहीं ढक सकी उहदी जिहड़ी रूं सीगी घट रह गई मतलब। द सैकेंड सन स्प्रैड द ग्रेप्स बट दोज टू वर नॉट इनफ टू कवर द होल स्पेस। हुण दूजा पुत्र अंगूर लेके आया सी उहने भी अंगूर बिछाते। ठीक है। पर यह भी काफ़ी नहीं सीगे उस सारी जगह नूं ढकन दे लई। हुण जिहड़ा सियाणा पुत्र सी तीजा हुण उहने की किया वह की लैके आया सी हुण पता लगू आपां नूं। ठीक है। द थर्ड सन आस्ट द सर्वेंट्स टू शट द डोर एंड द विंडोज ऑफ द रूम। तीजे पुत्र ने जिहड़े उत्थे नौकर खड़े सी राजे दे सर्वेंट्स नौकर होंदा बेटा। ठीक है। जिहड़े उत्थे राजे दे नौकर खड़े सी उन्हां नूं कहा कहिंदे इस रूम दे ना जिन्ने भी दरवाजे ते खिड़कियां ने उन्हां नूं बंद कर दो। ठीक है। कहिंदा मैं आपदी जिहड़ी चीज़ लिया वह दिखाउणी है तुहानूं। पहलां एक कम करो इस रूम दे विच जिन्ने भी दरवाजे ते खिड़कियां ने ना उन्हां नूं बंद कर दो। तां भई उहदे नौकरां ने उदां ही कीता। ठीक है ना। तां अग्गे देखदे हां। ही लाइटेड द कैंडल्स विच वर बॉट बाय हिम विद हिज गोल्ड कॉइन। उन्हें वह मोमबत्तियाँ जला दित्तियां जिहड़ियां वह आपदे गोल्ड कॉइन नाल खरीद के लियाया सी। ठीक है ना। आपदे सोने के सिक्के नाल वह मोमबत्तियाँ खरीद के लियाया सी। उन्हें मोमबत्तियाँ रखियां ते जगातियां फिर। ठीक है। द होल रूम वर फिल विद लाइट। सारा कमरा रोशनी नाल भर गया। क्यों रोशनी तो हुण जिथे भी जाओगे कमरे के खुंजे खुंजे च चली जाऊगी वह तो। ठीक है ना। तो रोशनी नाल सारे का सारा कमरा भर गया। उन्हें आपकी सियाणप दिखाई देखिया हैगा सी ना सियाणा वधिया लग रहा ना। ठीक है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द थर्ड सन। हुण राजा आपके तीजे पुत्र तो बड़ा खुश होया भी यार वाह तू बड़ी सियाणी गल की है। हुण उन्हें फैसला लेना भी सौखा हो गया है ना। उन्हें फैसला लेना सी ना आपके सक्सैसर का आपके उत्तराधिकारी बनाउण दा। ठीक है। तो हुण उन्हें की किया देखो एंड वाली लाइन देखो बहुत इंट्रस्टिंग स्टोरी है। लास्ट लाइन ये पंच लाइन है देखो की है। ही अनाउंसड हिम एज द फ्यूचर किंग। हुण उन्हें आपका फ्यूचर किंग चुनना सी ना। ठीक है। तो उन्हें घोषणा करती जिहड़ा मेरा तीसरा पुत्र है कहिंदा यही मेरा भविख का राजा होगा।
ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਉ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਕਿੰਗ ਨਿਊ ਵਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਿਸਾਈਡਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਚੂਜ਼ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕਸੈਸਰ ਸਕਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਰੇਵ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰੇਵ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਨੇਬਲ ਅਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਯੋਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥੋਟ ਇਹ ਥਿੰਕ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥਿੰਕ ਥੋਟ ਥੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਥੋਟ ਆਫ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋਟ ਆਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯੋਜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਸਕਡ ਆਸਕਡ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਰਿੰਗ ਬਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਿੰਗ ਮੀ ਆ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਵਰ ਕਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਸਕ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਸਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਰੂਮ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋਟ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਥਿੰਕ ਥੋਟ ਥੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲ ਆਈ ਜੀ ਐਚ ਟੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਫਾਰ ਫਾਰ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਟ ਸਵਾ ਅੱਗੇ ਹੋਲ ਸਪੇਸ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਸਰਵੈਂਟਸ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰ ਪਲੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਆ ਗਈ ਅਨਾਊਂਸਡ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਉ
ठीक है जी, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।